कमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो, जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। जेएम कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। कमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो, जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। अभी अभी झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और हेमंत बाबू, ये तमाड़ की दीवालों पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि तमाड़ में भी गैस का सिलेंडर जीतेगा, आपका हार होने वाला है। भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। जेएसी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका की नौकरियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल के लोगों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और इस लोग पेपर लीक कर भ्रष्टाचार करते रहे। वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लाखों झारखंड के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर वो बच जाएंगे। झारखंड के युवाओं, मैं आज आपको वादा करता हूं, गैस सिलेंडर पर बटन दबाइए, 5 साल में ये पेपर लीक करने वाले सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाइयों बहनों, झारखंड में दिन प्रतिदिन आदिवासियों की आबादी घिरती जा रही है। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही है।